हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कमल ककड़ी के चिप्स की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, टेस्टी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये हेल्दी भी होता है। और इस वीडियो में मैं आपको इसको किस तरह से साफ़ किया जाता है वो भी बताऊँगी, इसको किस तरह से बनाया जाता है वो भी बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आपके यहाँ पर इसे किस तरीके से बनाया जाता है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे और भी मुझे नई नई चीज़ें पता चले। तो मैंने यहाँ पे एक लिया है कमल काकड़ी का तना और इसको मैंने अच्छे से छील लिया है। इसको पहले हल्का सा छीला जाता है, उसके बाद दोनों साइड में इस तरह से कट कर लीजिए और उसके बाद हम इसके चिप्स बना लेंगे और उसके बाद हम इसको साफ़ करेंगे। तो आप पतले पतले चिप्स में कट कर लें, आपके पास अगर चिप्स कटर है तो उसमें कर लें। मेरे पास ये स्लाइसर है, उसमें मैं कट कर रही हूँ छोटा वाला। इसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा करके हम क्रश करते हैं, बहुत छोटा है लेकिन इसमें अच्छी चिप्स भी बन जाती है। तो इस तरह से आप पतले पतले स्लाइस में इसे कट कर लें। तो सभी को हम कट करके ले लेंगे और यहाँ पे मेरी बेटी भी लगी पड़ी थी मेरे साथ काम करने के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के साथ काम करना, लेकिन जगह कम है नए वाले घर में तो हमें ऐसे ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बॉईल किया हुआ पानी लिया है और उसमें हम डाल देंगे अपने कटे हुए चिप्स को और उसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी और गर्म पानी में इसको एक अच्छा बॉईल आने तक पकाएंगे, मतलब उबाल आने तक इसको इसमें रखेंगे, जिससे इसमें जो भी गंदगी है, डस्ट है अंदर में, वो सब निकल जाए। तो इस तरह से हमें कमल काकड़ी को पकाने से पहले साफ़ करना रहता है। हमें इसे पकाना नहीं है, बस एक उबाल आएगा बंद कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसे छान लीजिएगा। इसके अंदर में जो भी काले गंदे होते हैं थोड़े से, क्योंकि ये कीचड़ में उगता है तो हल्का फुल्का रहता ही है, तो वो सारे के सारे इस पानी में निकल जाता है बॉइलिंग के बाद। और इसको एक बार और पानी से धो लीजिएगा और बीच बीच में साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद एक मैंने तवल लिया है, इस पर इस तरह से फैलाएंगे, उसके पानी को हम हल्का सा ड्राई कर लेंगे। देख रहे, बिल्कुल इस तरह से एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाएगा और उसको वापस से हम अपने प्लेट में रख लेते हैं। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है और कमल काकड़ी जो होता है खाने के लिए भी हेल्दी होता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो कमल काकड़ी है लगभग 100 ग्राम के आसपास एक था, उतना मैं बना रही हूँ। इसमें एक चम्मच मैंने डाला था अभी कॉर्नफ्लावर, इस पर क्रिस्पी बनेगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डालें, मैंने कम डाला क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ, इसलिए हम लोग तो थोड़ा बहुत चल जाता है, कम रहेगा तो भी खा लेंगे लेकिन बच्चे लोग नहीं खा पाते हैं। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। जो भी चीज़ें मैं डालती हूँ वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दो चम्मच बेसन डाला था, थोड़ा सा तिल डाला, लास्ट में मैं लगभग एक चौथाई छोटा चम्मच के आसपास आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं डालेगी और इसमें पानी का यूज़ अभी भी नहीं करना है। जो इसमें मॉइस्चर रहेगा उसी से एक हल्की सी कोटिंग बन जाएगी कॉर्नफ्लावर और बेसन की, और उसको उठा उठा के इस तरह से हमें इसमें डालना है। तो आपको थोड़ी बहुत कम भी लग सकता है बेसन, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगे। दो चम्मच में 100 ग्राम बहुत हो जाता है। एक हल्की सी बस कोटिंग करनी है हमें, जिससे कि नमक मिर्च फ्लेवर सब इसके ऊपर आ जाए, चिपक जाए। इसलिए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई कर लें। जब इसमें बबल्स आना बंद हो जाते हैं उसके बाद आप इसको निकाल लें, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है, देख रहे हैं। और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में फ्राई हो जाता है। और इसको स्टोर करके आप एयरटाइट कंटेनर में रखें, ख़राब नहीं होगा। बस इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, जिससे इसमें टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल के इस एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। जब मेरे बच्चे को चाहिए रहेगा तब वो खाएगा, बाकी हम लोग भी खाएँगे, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।